minimum sloth, minimum minimum stress. That's the best, best, best. Minimum gangster, minimum minimum love. तो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जोन। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमारे पास है RS 200 BA6 और R15 BA6। तो आज इन दोनों के बीच हम लोग एक ड्रैग करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस ड्रैग में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर लाइक कर, शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो जरूर से जरूर जाकर सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी भाई को सपोर्ट करो यार। 3 हॉर्न पर करते हैं गाड़ी की। एक बार ओवरव्यू दिखा दूँ तो बारिश की वजह से ये गंदी हो पड़ी है, बट फिर भी आप एक बार देख लो R15 BA6 और RS BA6। इसमें काफ़ी काम हुआ रखा है मॉडिफिकेशंस के, तो इसलिए ये ऐसी दिख रही है। तो चलिए इधर से इस साइड से राइडर एक्सचेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है इस ड्रैग में। एक्चुअली R15 का थोड़ा चैन लूज़ है, इसलिए ये टॉप एंड में 143 गई, ऐसे ये ओवरब्रिज पर ये 150 जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस ड्रैग रेस में क्या होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न पे।
दूसरी शायद बॉडी में ही डिफरेंस करता है और थोड़ा स्किल भी मैटर करता है कि किस तरह का लॉन्च हुआ और किस तरह का फिर उनका टॉपिंग का परफॉर्मेंस है, किस तरह का लीनिंग एंगल है, तो वो मैटर करता है। बट बोथ गाड़ी की स्पीड सेम ही थी, ये भी 146 गई, वो 144 गई थी, बट वो बीच में आगे निकली थी, बट फिर मैंने उसे चांस दिया था आगे निकलने का, फिर वो आगे निकली, फिर ये बीच कर गई उसे, उसके पीछे जाते उसका विंड ब्लास्ट कम हो जाता है ना, इसलिए वो पीछे फिर आगे निकल गई और फिर वो गैप जो मेंटेन हुआ वो फिल नहीं हो पाया। तो यही थी आज की हमारी ड्राइव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना और बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नहीं हो तो ज़्यादा फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई और फटाफट भाई को सपोर्ट करो। तो ये चलिए तब तक के लिए, फिर टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।